वगैरह खरीदते हैं, आज कोई भी प्लॉट ऐसा खरीदा जिसकी कीमत है कोई 5 लाख, अब आप जब उसको होल्डिंग पे अपने पास रखते हो और जब लोगों का उस तरफ रुझान बनता है, लाइक अगर आज कोई भी सोसाइटी है उसकी तरफ लोगों का कोई खास रुझान नहीं है और वहां पे प्लॉट वगैरह जो है वो 5 लाख के अंदर अंदर मिल जाएगा, मगर जिस दिन वहां पे ज्यादा लोगों का रुझान बढ़ेगा, मतलब के ज्यादा लोग वहां पे खरीदना चाहेंगे प्लॉट्स, तो डेफिनेटली उसकी प्राइस जो है ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। सेम गोज विद द क्रिप्टो करेंसी, स्पेशली विद द बीटीसी, के तादाद कम है, एक लिमिटेड तादाद है और लोगों का रुझान उस तरफ ज्यादा बढ़ रहा है, जिसको हम लोग पीपल्स करेंसी भी कहा जाता है। बहुत से बड़े बड़े लोग, स्पेशली माइकल सेलर वगैरह जिस तरह के जो बड़े 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 इन्वेस्टर्स हैं, वो बार 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 एक ही बात करते हैं कि इट इज बेसिकली आप पीपल्स करेंसी के लोग आते हैं उसको बाय करते हैं आहिस्ता 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 आहिस्ता, जिसकी वजह से उसकी सप्लाई जो है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। पहले नंबर पे तो ये बात आती है। तो क्रिप्टो करेंसी इस्तेमाल होती है पी टू पी के हवाले से। P2P से मतलब है कि पर्सन टू पर्सन, लाइक मिसाल के तौर पे इन भाई साहब ने कोई पैसे भेजने मुझे डायरेक्ट, तो उसमें ये नहीं होगा कि भाई ये किसी को टैक्स देते फिरे या कुछ और करते फिरे, मगर इसमें ये नहीं कि इट्स इलीगल, इट्स लीगल, मगर ये है कि कुछ ना कुछ बहुत कम रेशियो टैक्स की जो है वो दी जाती है। 99.9% एसेट्स जो है वो एक बंदा जब बेचता है तो दूसरे तक आसानी से पहुंच जाते हैं। साथ ही साथ अगली एक और चीज है इसमें, असल में बहुत कुछ है, लाइक एक मतलब जो करेंसीज हैं वो एक नहीं है, तकरीबन कोई 20,000 के करीब ओवरऑल करेंसीज हैं, मगर मेजर जिनके ऊपर काम किया जाता है लाइक पैक्सोल के हवाले से, जिस तरह आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए, तो वहां पे टेथर यानी कि USDT दैट इज अ स्टेबल करेंसी, लाइक $1 इज इक्वल टू 1 USDT, वो कभी भी उसने ना इंक्रीज होना है ना ही उसने कम होना है, क्योंकि वो पैक्ड है 100% US डॉलर की बैक पे, तो एक अच्छी चीज है। उसके अलावा DAI जो है वो भी यही चीज है, वो भी स्टेबल करेंसी है, और उसी तरह BRZ जो है वो भी एक स्टेबल करेंसी है। स्टेबल करेंसी का फायदा ये होता है कि अगर मार्केट ऊपर जाए या नीचे है वो अपनी ही जगह वहां पे बना के रखते हैं, यानी कि आपको कोई नुकसान नहीं होता। इथेरियम है, लाइटकॉइन है, कार्डानो है और डॉजकॉइन है। उसके अलावा खैर साथ ही साथ थोड़ा सा आप उनको इसका ओरिजिन में अगर समझाता चलूं, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज ये है कि भाई एक मुकम्मल ग्रुप था जहाँ पे कहा जाता है सतोशी नाकामोटो के नाम से, और वो जो ग्रुप था उन्होंने मुकम्मल बैठ के सारी करेंसी बनाई। सबसे पहले उसका मैकेनिज्म से मुराद है उसका काम करने का तरीका कार ऐसा रखा गया कि हर साल कुछ ना कुछ सप्लाई जो है वो कम होती जाती है, स्पेशली इन हाल में जो कि हर 4 साल बाद होती है। वहां पे क्या होता है कि कुछ और करेंसी मतलब कुछ और रिवार्ड जो है उसको कम कर दिया जाता है, कुछ ना कुछ सप्लाई को कम कर दिया जाता है। वैसे जो इसकी मुकम्मल सप्लाई है इस वक्त BTC की, हर 4 साल बाद उसके अंदर से तकरीबन कोई 1.75% जो है उसको कम करते रहते हैं। उससे क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो प्राइस है वो इंक्रीज होती जाती है। और उसके अलावा दूसरी मजे की चीज ये है कि माइनर्स जो है, माइनर्स से मुराद क्या है कि जिस तरह मिसाल के तौर पे कोई चीज घर में बना ली जाए, माइन कर ली जाए, उसी तरह 2021 में हालविंग हो चुकी है और अब जाके होगी 2024 में। तो 2024 में जब हालविंग आएगी वहां पे सबसे बड़ी एक जो चीज होगी वो ये होगी कि भाई वहां पे रिवार्ड और कम कर दिया जाएगा। लाइक अगर अब मिसाल के तौर पे 24 घंटे में अगर आप लोग एक BTC बनाते हो, तो उसके बाद क्या होगा कि 24 घंटे उतनी ही रिस्क के ऊपर काम करके आप लोग सिर्फ और सिर्फ 0.60 यानी कि 0.40 कट कर दिया जाएगा, 0.60 BTC जो है उसी को भी आप लोग बना सकोगे। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें अडॉप्शन की, तो इस वक्त एल सल्वाडोर सबसे नंबर 1 पे आता है, एक ऐसी कंट्री जहां पे सारा कुछ क्रिप्टो करेंसी पे इस वक्त काम हो रहा है। उसके अलावा 3-4 ई मनी जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मनी, जिस तरह हमारे ATMs में हम लोग जब डाल के कार्ड देखते हैं तो वहां पे सामने पैसे शो रहे होते हैं, तो वो बेसिकली ई मनी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मनी। सेम गोज विद BTC, यानी कि क्रिप्टो करेंसीज के लिए भी हमें डिफरेंट टाइप ऑफ वॉलेट्स की जरूरत पड़ती है। कुछ होते हैं ओल्ड वॉलेट्स, कुछ होते हैं हॉट वॉलेट्स। हॉट वॉलेट्स वो होते हैं लाइक किसी भी एक्सचेंज के ऊपर आप अकाउंट बनाते हो, अकाउंट बनाने के बाद वहां पे आप लोग आसानी से थोड़ा सा BTC बाय कर लेते हो, बाय करने के बाद वहां पे होल्ड कर लेते हो, तो वो है आपका हॉट वॉलेट। ओल्ड वॉलेट कहते हैं जिसको हम हार्डवेयर वॉलेट कहते हैं, जिसमें USB होती है, अक्सर देखा होगा आप लोगों ने USB जिस तरह होती है, तो सेम उसको USB के अंदर आप सिक्योर कर सकते हो। हाँ, उसमें कुछ ना कुछ डेफिशिएंसीज हैं आज तक। इथेरियम इस तरह की करेंसीज जो हैं उनको हार्डवेयर अपना वॉलेट्स में डाला और उसके बाद हार्डवेयर वॉलेट्स जो हैं वो बुरे तरीके से क्रैश हो गए, मगर ये कि एक्सचेंजेस के वॉलेट्स को इस्तेमाल करना दी बेस्ट रहता है, जहां पे आपको सेंट्रलाइज्ड और डेक्स दोनों मिलते हैं। अब इसमें क्या चीज है, सेंट्रलाइज्ड यानी कि CEX
और डिसेंट्रलाइज्ड यानी कि डीएक्स। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें सेंट्रलाइज्ड की, तो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज किसको कहते हैं, जिसपे अपना कोई ना कोई सेंट्रल बॉडी मौजूद हो। सेंट्रल बॉडी से मौजूद क्या है कि मिसाल के तौर पे मेरा इन भाई साहब के साथ कोई मसला है, अब ये विदड्रॉल लेने आते हैं यानी कि अपने पैसे वहां से निकालने के लिए आते हैं, तो मैं वहां पे कहूंगा नहीं भाई इसको विदड्रॉल नहीं देना क्योंकि मालिक मैं हूं। दूसरा होता है डेक्स यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में ये है कि भाई मुझे जितना मर्जी मसला हो आपसे, आपसे किसी से भी हो, फिर भी मैं आप लोगों के एक रुपया भी नहीं रख सकता। सबसे ज्यादा फायदा, हकीकत ये है कि क्रिप्टो करेंसी का जो मेजर फायदा है वो सिर्फ और सिर्फ टैक्स है। क्रिप्टो करेंसी बनाने का मकसद ही क्या था कि भाई टैक्स पे हम चले जाए। देखो कल को आपका बैंक में कोई भी किसी के साथ मसला चल रहा है, ठीक है, तो ये नहीं होगा कि बैंक वाला भाई मैंने आपको पैसे नहीं देने, ऐसा नहीं होगा। टैक्स का कमाल ये है कि भाई ब्लॉकचेन का जो मुकम्मल एक थीम है वो सिर्फ और सिर्फ टैक्स के लिए बनाया गया था, तो भाई जब दिन चाहे अपने पैसे निकालो, जब दिन चाहे अपने पैसे डिपॉजिट करो। तो खैर यहाँ पे हमारे पास दो किस्म की एक्सचेंजेस मौजूद होती हैं, नंबर वन पे होती है सेंट्रलाइज, नंबर टू पे होती है डिसेंट्रलाइज। फिर हम लोग आ रहे हैं तो देखते हैं क्या कह रहे हैं। तो खैर अच्छा ये नहीं है, स्पेनिश में है सारी की सारी, तो उसमें मैं आपको सिंपल इसका तर्जुमा थोड़ा सा करके बता देता हूँ फटाफट, तो थोड़ी बहुत ही आती है मुझे, भी ज्यादा नहीं आती। इसमें सिंपल ये बता रहे हैं कि जब मैंने स्टार्ट किया था तब क्या कहते हैं मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 8 वॉलेट्स थे यानी कि 8 यूजर्स थे जिनके जो उस वक्त BTC माइन करते थे और पैक्स फुल को इस्तेमाल करते थे, और उस वक्त क्या कहते हैं मैंने इसको पैक्स फुल को बहुत सीरियसली लिया, और उसके बाद आज जो है हमारे यूजर्स जो हैं वो मिलियंस की तादाद में जा रहे हैं, इस तरह कुछ बता रहे हैं। फिर हम लोग आगे चलते हैं जी फटाफट फटाफट, ये बेसिकली इसके मालिक हैं जी, ठीक है, और खैर ये जी उसके अलावा व्हाट इज पैक्स फुल, तो जी पैक्स फुल एक बेसिकली एक्सचेंज है, और एक्सचेंज से मुराद ये है कि जहाँ पे आप सिंपली अपने वॉलेट्स को आके सिक्योर कर सकते हो, अपनी एसेट्स को आके सिक्योर कर सकते हो सिंपली यहाँ पे। मैंने आपको बताया कि बैंक्स में भी आपको मसला आएगा अगर आप लोगों के पैसे रखवाते हो कि किधर से आए पैसे, क्या साफ चल रहा है, तो यहाँ पे आपको कोई मसला नहीं है। पैक्स फुल पे आके अपना BTC रखो, इथेरियम रखो, USDT रखो, कोई भी डिजिटल करेंसी रखोगे तो कोई मसला नहीं है। जब मर्जी डिपॉजिट करो, जब मर्जी विदड्रॉल करो, नो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नो थर्ड पार्टी एंटिटी यानी कि किसी तीसरे बंदे को बताने की जरूरत नहीं कि हाँ भाई मुझे पैसे निकाले, मुझे पैसे डिपॉजिट करो। इसी एक्सचेंज के जरिए एक एक BTC भी कोई 3-4 महीने दिल लगा के अगर काम करते हैं तो उसके एक एक BTC भी आराम से अर्न कर लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों को समझाने के लिए साइन अप मारो फटाफट फटाफट। खैर इस वक्त यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं भाई BTC की प्राइस यहाँ पे आपके सामने चल रही है $23,472 यानी कि $472 के ऊपर इस वक्त BTC ट्रेड हो रहा है। और इस वक्त यहाँ पे मैं आप लोगों को साथ ही साथ ये दोनों ऑप्शन दिखाता हूँ, फोन नंबर के जरिए भी आप लोग कर सकते हो, सिंपली यहाँ पे आके अपनी कंट्री सेलेक्ट करो, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, उसके बाद रेफरल कोड, और करने के बाद यहाँ पे अकाउंट बनाओ, अकाउंट बनाने के बाद लॉग इन करो, लॉग इन करने के बाद फटाफट फटाफट अपने रेफरल कोड को इस्तेमाल करो या
अगर आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट के जरिए लाइक अगर 3,000, 4,000 या 5,000 पाकिस्तानी 5,000 रुपए से अगर आप काम शुरू करना चाहते हो तो भी आप लोगों के लिए दी बेस्ट हो जाएगा कि आप लोग सिंपल एक सर्विस को इस्तेमाल करो, उसका नाम है P2P। P2P को इस्तेमाल करने के बाद आसानी से आप लोग बाइंग और सेलिंग करके कुछ ना कुछ यहाँ से अर्न कर ही लोगे। तो ये था जी हमारा पैक्सूल का आज मुकम्मल क्राइटेरिया और तरीका का कि किस किस तरीके से ये काम करेगा।